बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गांव गांव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। हम सभी कोरोना नामक महामारी से लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी जीत होगी। हम स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता वाली जिंदगी फिर से जिएंगे। तो आइए किसान भाई बहनों, बातों का सिलसिला शुरू करते हुए सबसे पहले हम देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ श्वेता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। पथरीली जमीन में वन वृक्ष के पौधे लगाएं, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पशुओं पर दें ध्यान, भिंडी की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं पूसा A4। अब समाचार विस्तार से। किसान भाई, पथरीली जमीन में वन वृक्ष के पौधे काला शीशम, बेर, बेल, जामुन, कटहल, शरीफा और चारा फसल में ज्वार या बाजरा लगाएं। पशुपालक भाई, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अपने पशुओं के संपर्क के मामले में सावधानी बरतने की जरूरत है। पशुओं के आवास में सफाई पर विशेष ध्यान देने के साथ पर्याप्त भोजन और पीने के पानी की व्यवस्था करें। पशुओं को पौष्टिक आहार समय पर दें ताकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे। पशुओं के बंद आहार पैकेट को 65% एथेनॉल या मिथेनॉल से स्प्रे जरूर करें। पशु चारा को अच्छी तरह पानी से धोएं। आवास के दरवाजे, हैंडल, खिड़की और पशुओं के उपयोग के सामान को 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट से साफ करें। किसान भाई, यदि आप लत्तर वर्गीय फसलों की खेती किए हैं तो समय से तुड़ाई करना जरूरी है। समय से तुड़ाई नहीं करने से फसलों की गुणवत्ता में कमी आ जाती है, साथ ही जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करें। किसान भाई, लत्तर वर्गीय फसलों की खेती में फसलों की तुड़ाई समय से करें और रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप होने पर जैविक कीटनाशी नीम निर्मित दवा का इस्तेमाल करें। 3 से 5 ml दवा का घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करना चाहिए। साथ ही रोग व्याधि होने पर ट्राइकोडर्मा को शाम के समय 6 लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें, इससे कीटों का नियंत्रण हो जाएगा। किसान भाई, अगर लत्तर वर्गीय फसल लगाए हैं तो उनको मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि जो भी फसल है उसमें वो समयानुसार उसकी तुड़ाई करें। ज़्यादा उसको बड़े होने का जो है अवस्था में उसकी तुड़ाई करेंगे तो गुणवत्ता जो है उसकी अच्छी नहीं रहेगी। और दूसरा है, जैविक कीटनाशकों का अगर हम लोग व्यवहार करते हैं तो रस चूसने वाले कीट हैं, तो नीम से निर्मित जो भी दवा है बाजार में, अचूक है, वैनगार्ड है, उसका जो है हम लोग 3 से 5 ml पर लीटर पानी में घोल बना के उसका छिड़काव कर सकते हैं। अगर कोई रोग बीमारी आती है तो ट्राइकोडर्मा विरिडी या हर्जियानम है, उसको शाम के समय जो है 6 ग्राम पर लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करें तो कीट और व्याधि से वो अपनी फसल को बचा सकते हैं। भिंडी की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 15 से 20 किलोग्राम प्रति बीज हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में परभनी क्रांति, पूसा A4, अर्का अनामिका, वर्षा उपहार लगाएं। भिंडी की खेती के लिए जल निकास वाली हल्की दोमट मिट्टी उपयुक्त है। ध्यान रहे, समतल जमीन में सीधी बुआई करें और 5 से 7 दिनों पर सिंचाई करते रहें। किसान भाई, जुताई के बाद मिट्टी को भुरभुरी करने के लिए डिस्क हैरो नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 1.5 से 2 एकड़ प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है मिर्च फसल में फल छेदक कीटों के नियंत्रण के बारे में। मिर्च फसल में फूल और फल लगने के समय फल छेदक कीट लगने का खतरा रहता है। किसान भाई, इस कीट की रोकथाम के लिए प्रति हेक्टेयर 500 मिलीलीटर इंडोक्सा कार्ब दवा से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर।
आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस, जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस, मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस, देवघर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस, जबकि धनबाद का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजातरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अब हम बातें करेंगे ऊपरी भूमि में धान की खेती के बारे में। तो जो किसान भाई बहन ऊपरी भूमि में धान की खेती कर रहे हैं, उनके लिए आज का ये अंक है खास। तो बिना देर के चलिए फीचर के माध्यम से आपको दिखाते हैं। किसान भाइयों, झारखंड में 3 प्रकार की जमीन है। निचली जमीन यानी दून खेत, मध्यम जमीन और ऊपरी जमीन यानी कि टाड़ खेत। राज्य में कुल खेती योग्य भूमि का 60% हिस्सा ऊपरी जमीन है। अब धान की खेती का मौसम शुरू होने वाला है। सबसे पहले तो थोड़ा सा आपको ये बताना चाहेंगे कि जो झारखंड में जो ऊपरी भूमि का हिस्सा है वो करीब करीब 60% है, यानी ज़्यादातर जो हमारे ज़मीन है वो ऊपरी ज़मीन के श्रेणी में आते हैं। अब इसकी पहचान बहुत सिंपल है। आप अपने खेत पर खड़े होकर के आप आराम से देख सकते हैं कि कौन सी ज़मीन आपकी ऊपर दिख रही है, कौन सी ज़मीन नीचे दिख रही है। ऊपरी ज़मीन का पहचान ऐसे भी किसान भाई कर सकते हैं कि जो ऊपरी ज़मीन की जो मिट्टी होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है बनिस्पत मध्यम और नीची ज़मीन की जो मिट्टी होती है, यानी वहाँ पे क्ले की मात्रा ज़्यादा होती है और ऊपरी ज़मीन में सैंड मतलब बलुआही ज़मीन होती है, यानी जहाँ पे बालू ज़्यादा आपके खेतों में मिलेगा तो आप समझ जाइए कि ये ऊपरी ज़मीन का हमारा खेत है और इस पर हम उसी ढंग से खेती करें जिससे कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। आप जानते हैं कि ऊपरी ज़मीन में जो खेती करते हैं उसकी जो मिट्टी होती है उसकी जल धारण क्षमता और उसके न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी यानी जो उसमें पोषक तत्व हैं उसको पकड़ने की क्षमता मध्यम और नीची ज़मीन से बहुत ही कम होती है। इसलिए हम चूँकि जल धारण क्षमता कम है मध्यम और नीची ज़मीन के मुकाबले, इसलिए आप कोशिश करें कि ऊपरी ज़मीन में उसी ढंग का खेती करें, उसी ढंग का खेती करने के बारे में सोचें, उसी ढंग के प्रभेद का चुनाव करें जो कम पानी में वहाँ पे अच्छा कर सके। पिछले कई वर्षों की तुलना में इस वर्ष ग्रीष्मकालीन मौसम वर्षा के लिहाज से बेहतर है। कुछ दिनों के अंतराल पर अब तक बारिश होती रही है, मिट्टी में नमी है और धान की खेती के लिए अनुकूल है। इस बार हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इस बार इतनी बारिश हमको अभी तक मिल चुकी है जिसमें आप खेत को तैयार कर सकते हैं, यानी खेत में आप अभी हल चला सकते हैं। और मैं दूरदर्शन के माध्यम से सभी किसान भाई को ये अपील करूंगा कि अभी आप ऐसा करें कि अपने खेतों में यथाशीघ्र हल चलाएं, जो ये आपको नमी मिली हुई है खेत में जो है उसमें आप हल चला करके उसको बढ़िया से जोतें उसको, और जोतने के बाद अगर आप तैयार हैं, अगर आपके पास बीज है तो सबसे अच्छा है आप बीजों को वहाँ पे सीधी बुआई वहाँ पे कर दें, है ना। तो इससे क्या होगा कि आप जून के 8-10 तारीख तक अगर आप सीधी बुआई कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा होगा कि आपको ऊपरी जमीन से बहुत ज़्यादा पैदावार मिल सकती है। धान के पौधों में रोग एवं कीटों का प्रकोप ना हो इसके लिए बीजोपचार करें। बुआई से एक दिन पहले अनुशंसित मात्रा में व्यवस्थित दवा और गुड़ से बीजों को उपचारित करके छाया में सुखा लें, उसके बाद बीज बुआई करें। स्वस्थ बीज ही स्वस्थ पेड़ देते हैं, ये तो कहावत है, और हम इनके माध्यम से आपके माध्यम से हर जगह ये कहते आए हैं कि चाहे वो सीधी बुआई करें, चाहे वो रोपा करें या कोई अन्य विधि करें, आपको हमेशा चाहिए कि लगाने से पहले बीजोपचार जरूर कर लें। क्योंकि बीजोपचार करने से क्या होता है कि बहुत सारी बीमारियां जो बाद में खेतों में लगाने के बाद आती हैं उन सब से हमारा बचाव हो जाता है और किसान उस परेशानी से बचते हैं। बीजोपचार करने का सबसे अच्छा तरीका है कि 2 ग्राम बेविस्टिन
पर किलो सीड, यानी अगर आपके पास 1 kg सीड है, 1 kg बीज है, तो उसमें 2 g बेबिस्टिन नाम की दवा से उसको उपचारित करने के बाद ही उसको खेतों में आप लगाएं। उपचारित करने की विधि बहुत ही आसान है। लगाने से 1 दिन पहले आप 2 g बेबिस्टिन दवा को 1 kg सीड में मिलाएंगे, थोड़ा सा गुड़ की मात्रा उसमें डाल देंगे ताकि वो उसके ऊपर चिपक जाए। अच्छी तरह से मिलाने के बाद उसको छाए में सुखा लेंगे। यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं कह रहा हूँ छाए में सुखा लेंगे, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट सूरज की किरणों के सामने सुखाएंगे तो हो सकता है कि जो आपने दवा डाली है वो वहाँ से उड़ जाए और उसका प्रभाव कम हो जाए। तो ये तो हुआ बीजोपचार करने की विधि। इस तरह से करके 1 दिन पहले आप बीजोपचार करके उसको फिर आप दूसरे दिन खेत में लगा सकते हैं। ऊपरी जमीन यानी टाड़ के खेत में धान के बेहतर उत्पादन के लिए ऊपरी जमीन के लिए अनुशंसित प्रभेदों का चुनाव करना ज्यादा फायदेमंद होगा। कौन से प्रभेद का हम चुनाव करें जो आपको ऊपरी जमीन में ज्यादा से ज्यादा मदद यील्ड दे सके? देखिए, प्रभेद का चुनाव करने में इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, चूंकि ये ऊपरी जमीन है, यहाँ पे पानी आपको ज्यादा दिन तक नहीं मिलेगा। जो बरसात का सीजन है, हार्डली 2.5 से 3 महीना ही पानी मिलेगा, इसलिए आपको वहाँ पे चाहिए वैसे प्रभेद जो 90 से 95 दिन में पक के तैयार हो जाते हैं। अगर इससे ज़्यादा अवधि के आप प्रभेद लेंगे तो फिर हो सकता है कि आपको वहाँ पे पानी के चलते नुकसान उठाना पड़े, इसलिए कोशिश करिए कि 90 से 95 दिन के बीच या इससे भी कम अगर कोई अवधि का है। मैं उदाहरण के तौर पर बताऊँगा, जैसे बिरसा धान 108, 70 दिन में ये वैरायटी पक के तैयार हो जाती है, आप इसका चुनाव कर सकते हैं। बिरसा विकास धान 109, बिरसा विकास धान 110, बिरसा विकास धान 111 और वंदना, ये सब ऐसी वैरायटी हैं जो 90 से 95 दिन में पक के तैयार हो जाती हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि इस तरह के बीज को आप वहाँ पर खेतों में गिराएं और आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। सीधी बुआई का मतलब ये होता है कि डायरेक्ट बीज को खेतों में लाइन खोल करके गिराना एक निश्चित डिस्टेंस पे। तो आपको मालूम है कि धान जो है वो 20 सेंटीमीटर लाइन से लाइन दूरी रखते हैं, तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रख करके आप उनका बिजाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, धान की खेती में सबसे जरूरी होता है खेत में पर्याप्त जल जमाव का होना। इसके लिए वर्षा जल संचयन प्रबंधन पर ध्यान दें, खेत का पानी खेत में रहे। इसके लिए खेत की तैयारी के समय ही गहरी जुताई करें और बारिश से पहले खेत की मजबूत मेड़बंदी करें। देखिए, पानी का प्रबंधन आप खेत में बीज लगाने के बाद नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि हमारे प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं इस बात को कि खेत का पानी खेत में, यानी जो खेत में आपके पानी आ रहा है उसको आप वहीं पर संचय करें। तो होता क्या है कि जब बरसात शुरू होती है, बरसात शुरू होने से पहले प्री मानसून सावर आते हैं, जैसे अभी जो पानी आपको मिल रही है ये प्री मानसून सावर है। तो इसमें क्या करें, खेतों में आप गहरी जुताई करके आप लाइन खोल दें, तो उससे क्या होगा कि जो भी पानी आएगा ऊपर से वो डायरेक्ट आपके खेत में ही जमा रहेगा। खेत की मेड़बंदी करें, यानी खेत का जो चारों तरफ का जो मेड़ का हिस्सा है उसको आप अच्छे तरह से बांध दें ताकि आपके खेत से पानी निकल के दूसरे खेत में न जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये जल संचय आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके मिट्टी का जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो ऊपर आएगा और आप खेती करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। किसान भाइयों, तो ये थी ऊपरी जमीन में धान की वैज्ञानिक खेती और प्रभेदों के चुनाव की पूरी जानकारी। आप इस जानकारी का लाभ लें, खेती करें, लेकिन वैश्विक महामारी से बचाव की तमाम सावधानियां को बरतते हुए। हम बातें करेंगे खरीफ मक्का की खेती व उसके प्रभेद के बारे में। मक्का एक बहुउपयोगी फसल है, इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाती है जो मनुष्य और जानवर दोनों के लिए लाभकारी होता है। तो आइए जानते हैं मक्का की खेती एवं उसके प्रभेद के बारे में। खरीफ मौसम की एक पारंपरिक फसल है मकई यानी मक्का, लेकिन वर्तमान में मक्का की खेती पारंपरिक विधि से ना करके वैज्ञानिक एवं आधुनिक विधि से करना ज्यादा फायदेमंद होगा। अगर झारखंड राज्य की बात करते हैं तो 70-80 के दशक में यहाँ पे ऊपरी भूमि में मड़ुआ सबसे ज्यादा लगाया जाता था, और दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट, धान के बाद दूसरा मोस्ट सबसे महत्वपूर्ण क्रॉप हम लोग कहते थे कि मड़ुआ है। लेकिन ऊपरी भूमि में जो ऊपरी धान है और मड़ुआ को मक्का ने आज हटा दिया है और उसका व्यापक एरिया ऊपरी भूमि में फैल चुका है।
क्योंकि ऊपरी भूमि में अगर किसान भाई धान या मड़ुआ की खेती करते हैं तो वो उतना फ़ायदेमंद नहीं है उनके लिए, और जबकि मक्के की खेती करके अगर वो साइंटिफिक तरीके से अगर खेती करते हैं 70-80 क्विंटल तक उपज वो प्राप्त कर सकते हैं। तो 70-80 क्विंटल तक उपज प्राप्त करने पर उनको बहुत अच्छी आमदनी प्राप्त हो सकती है जो दूसरी फसलों से उनको नहीं मिल सकता है। तो ऊपरी भूमि इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, और किसान भाइयों को जैसे अब मानसून चालू हो गया है, पानी बरस रहा है, तो इसी समय उनको चाहिए कि खेत की जुताई कर दें अच्छे तरह से, खेत की जुताई करके खेत की तैयारी कर लें, और इस समय खेत में सड़ी गोबर की खाद या कंपोस्ट जो उनको मिले वो 5 से 10 टन पूरे खेत में जुताई करते समय ही खेत में अच्छी तरह से मिला लें तो उनका खेत तैयार हो जाएगा। इसके बाद उनको चाहिए कि खेत के चारों ओर, चूँकि मक्का जितना पानी के लिए सेंसिटिव है उतना ज़्यादा उसके पानी अगर जम जाता है तो 24 से 48 घंटे पानी जमने पे उसका उत्पादन बहुत बुरी तरह से गिरता है, इसलिए खेत के चारों ओर उनको नालियाँ निकासी ताकि जल निकासी अकस्मात कभी बहुत ज्यादा पानी बरसता है तो उसके लिए जल निकासी की व्यवस्था ही शुरू में ही कर देनी चाहिए। किसान भाइयों, मक्का के 4 प्रकार के उन्नत प्रभेद हैं। एक 80 दिन में तैयार होता है, दूसरा 85 दिन में, तीसरा 90 दिन में और चौथा 100 दिन में परिपक्व होता है। ये पोषक तत्वों से भरपूर और पशुओं के हरा चारा के लिए उपयुक्त है। मक्के की जो किस्म है उसको हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। मक्के की किस्म जो एक पूर्ण अवधि की होती है जो हम लोग कहते हैं कि 100 दिन में वो तैयार होती है, दूसरी है मध्यम अवधि की जो 90 दिन में तैयार होती है, और एक जल्दी तैयार होने वाली किस्म है जो 85 दिन में, एक बहुत जल्दी तैयार होने वाली वो 80 दिन में। तो इस 4 कैटेगरी में बांटते हैं। जैसे हम हमारे यहाँ की कुछ कंपोजिट किस्में हैं जैसे BVM2 बिरसा विकास मक्का 2 जो कंपोजिट किस्म है वो 80 दिन में तैयार हो जाती है, और अगर वो किसान भाई BM1 कंपोजिट लेते हैं तो वो मध्य अवधि वाली है, वो 90 दिन में तैयार होती है, और अगर किसान भाई स्वान का प्रयोग करते हैं, स्वान हमारे यहाँ की अच्छी कंपोजिट किस्म है, वो पूर्ण अवधि की है और 100 दिन में तैयार होती है। इसी तरह से हाइब्रिड किस्मों में हाई HQPM1 किस्म है, HQPM5 किस्म है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा साधारण मक्का से ज़्यादा पाई जाती है, और पशुओं या किसी अगर उसको खाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो वो बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो वो भी पूर्ण अवधि की किस्म है 100 दिन की। और BHU से एक किस्म निकली हुई है मालवी मक्का 2, ये मध्य अवधि की किस्म है और बहुत अच्छी किस्म है, इसको किसान भाई लगा सकते हैं। मक्का फसल में मिट्टी जनित रोग लगने का खतरा रहता है, इससे बचाव के लिए चुने हुए प्रभेदों का बीजोपचार जरूर करना चाहिए। बीजोपचार करने के लिए व्यवस्थित दवा का उपयोग करें। अगर किसान भाई बीजोपचार कर देते हैं तो उससे कई जो मिट्टी जनित रोग होते हैं है ना, उससे उनको फायदा होगा और वो रोगों से पौधों को बचाया जा सकता है। इसलिए किसान भाइयों को जरूर चाहिए कि लगाने से पहले बेविस्टीन 2 ग्राम बेविस्टीन से प्रति किलो सीड जितना लगाना है उससे उसको ट्रीट कर दें, और उससे उनको मिट्टी जनित रोग से जितने भी हैं उनसे उनको राहत मिलेगी। साथ में मैं तो ये भी कहूँगा किसान भाइयों को कि जब वो मक्का लगा रहे हैं तो उसमें उनको जैव उर्वरक से भी उसको ट्रीट करना चाहिए। एजिटोबैक्टर से अगर वो ट्रीट कर देते हैं तो उससे वो जैव उर्वरक से वो वायुमंडल की नत्रजन को भी अपने में ग्रहण करेंगे तथा जो मक्का में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति होगी और मक्के की फसल अच्छी रहेगी। तो किसान भाइयों को एजिटोबैक्टर का भी से भी ट्रीट करना फायदेमंद होगा। किसान भाइयों, उन्नत प्रभेदों की उत्पादन क्षमता का सही लाभ लेने के लिए प्रति हेक्टेयर की दर से 67,000 पौधा लगाना जरूरी है। इसके लिए कतारों और पौधों के बीच अनुशंसित दूरी रखें। झारखंड में किसानों के यहाँ देखे हैं, यहाँ की झारखंड की औसत उपज 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, और जबकि आज जो भी किस्में हम लगाते हैं वो 60 क्विंटल से 80 क्विंटल तक उपज आसानी से दे देती हैं। तो किसान भाइयों के अगर वो साइंटिफिक तरीके से लगाते हैं, क्योंकि पौध संख्या में गड़बड़ी होती है, पौध संख्या किसान भाई अगर खरीफ में लगा रहे हैं तो निश्चित रूप से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी किसान भाइयों को 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए, ताकि प्रति हेक्टेयर 66,000 पौधा उनके पास एक हेक्टेयर में रहे तभी उनको उच्च उत्पादन प्राप्त होगा।
किसान भाइयों को दूसरा ये ख्याल रखना चाहिए, चूंकि मक्के का पौधा ऐसा है जो बहुत मात्रा में उर्वरक उसको चाहिए, अगर वो हाइब्रिड किस्म लगा रहे हैं तो किसान भाइयों को 150 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम स्फुर तथा 40 किलोग्राम पोटास की मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। अगर कंपोजिट किस्म लगा रहे हैं तो किसान भाइयों को 120 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम स्फुर तथा 40 किलोग्राम पोटास का प्रयोग करना चाहिए। इसमें स्फुर और पोटास की पूरी मात्रा किसान भाइयों को बुआई के समय दे देनी चाहिए तथा नाइट्रोजन की मात्रा को 3 भाग में विभक्त करके एक भाग बुआई के समय, दूसरा भाग जब पौधा घुटने के आकार का पहुंचा है उस समय डालना चाहिए और तीसरा भाग पौधा जब नरमंजरी की अवस्था में पहुंचता है उस समय प्रयोग करना चाहिए, तभी उनको अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। खरीफ के मौसम में मक्का फसल के बेहतर बढ़वार का सबसे बड़ा अवरोधक है खरपतवार। खरपतवार नियंत्रण की अनदेखी होने के उपज में 40% तक की कमी देखी गई है। सबसे ज्यादा जो है खरीफ में समस्या आती है खरपतवार की, तो खरपतवार की समस्या से बचने के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि रासायनिक जो खरपतवार नाशी है उनका जरूर से जरूर प्रयोग करें, क्योंकि उससे 40% तक हम लोग पाए हैं कि 40% खरपतवार के कारण उत्पादन में गिरावट आती है। और जो मक्का में खरपतवार नाशी है जैसे एट्राजीन, अगर एट्राजीन किसान भाई 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं तो उनको शुरुआत में जैसे ही मक्का बुआई किए उसके 1 से 2 दिन के अंदर अगर वो एट्राजीन का प्रयोग कर देते हैं तो उससे उनका मक्के की फसल खरपतवार से मुक्त रहेगी। और किसान भाइयों को चाहिए कि 25 दिन के बाद, अभी जो हम लोग नए रिसर्च में पाए हैं कि टेम्बोट्रीन और टोप्रामाइजॉन दो ऐसे खरपतवार नाशी हैं जिनका अगर किसान भाई 25 दिन पे प्रयोग कर देते हैं तो खरपतवार से पूरा उनका मक्का का फसल मुक्त रहेगा और उनको उच्च उत्पादन प्राप्त होगा। तो ये दो जो खरपतवार का है उनको जरूर प्रयोग करना चाहिए, जो झारखंड के किसान नहीं प्रयोग करते हैं उसके कारण उनका उत्पादन में गिरावट आती है। किसान भाइयों, खरीफ मक्का की वैज्ञानिक खेती के बारे में कृषि विशेषज्ञ ने जो जानकारी दी, आप इसका लाभ उठाएं और ज्यादा से ज्यादा उपज पाएं। देखा ना किसान भाई बहनों, मक्का खरीफ ऋतु की प्रमुख फसल है और अगर हमें इसके बारे में जानकारियाँ मिल गई है तो हमें पूरा विश्वास है कि आप मक्का की उन्नत खेती करेंगे। आज के अंक में इतना ही। अब हम चाहेंगे कि आप हमें विदा दीजिए, लेकिन जाने से पहले फटाफट निकालिए कॉपी कलम ताकि आप हमारा पता लिख सके। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निर्देशक दूरदर्शन केंद्र रातो रोड रांची, पिन संख्या 834001। अब आप मुझे और हमारी कृषि दर्शन टीम को विदा दीजिए ताकि अगले अंक में फिर से यूं ही आपके साथ बातें करें। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।